नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूँगा जिसको कहते हैं असाइटिस। असाइटिस का मतलब होता है पेट के अंदर पानी भरना। तो जब भी पेट के अंदर पानी भरता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? पेट के अंदर स्वेलिंग यानी पेट फूलने लगता है। कई लोग बहुत दिनों तक इस सोच में रहते हैं कि शायद पेट गैस के कारण फूल रहा है और ये पेट डिस्टेंशन होता जा रहा है। ज़्यादातर बीमारियाँ जिनमें असाइटिस होती है उनमें असाइटिस यानी कि पेट के फूलने के साथ साथ पैर पे भी स्वेलिंग आती है जिसको पीडलिडिमा कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। यानी कि अगर आप पैर के शिन के ऊपर टखने के ऊपर हाथ से दबाएं तो एक गड्ढा पड़ेगा। ये पैर में पानी जमा होने से होता है ना। तो जो असाइटिस होती है ये कई सारी बीमारियों के कारण हो सकती है। ये एक कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का सिम्टम हो सकता है, लक्षण हो सकता है। तो किन बीमारियों से असाइटिस होता है? असाइटिस यदि हम देखें मुख्यतः कार्डियक प्रॉब्लम यानी कि हार्ट की अगर पंपिंग कम हो तो उसके कारण पैर पे स्वेलिंग होना, पेट में पानी भरना हो सकता है। इस हालत में कई बार इसमें मरीजों को सांस की कमी, चलने से सांस फूलना, धड़कन तेज़ होना, ये चीज़ होती है। तो एक ब्रॉड ग्रुप हो गए कार्डियक प्रॉब्लम्स के कारण असाइटिस हो सकती है। दूसरी बीमारी होती है किडनी की बीमारियाँ। किडनी का काम होता है हमारे शरीर से पेशाब निकालना। यदि किडनी नहीं काम कर रही हो प्रॉपरली तो शरीर के अंदर पानी इकट्ठा होता है। और इसमें भी सिर्फ पेट में पानी नहीं इकट्ठा होता है, चेहरे पर सूजन आती है, पैर में सूजन आती है, पेशाब की कमी आती है। तो ये कार्डियक और किडनी दो अलग बीमारियां हो गई जो लार्ज ग्रुप में ये पेशेंट्स को पेट में पानी इन कारणों से बनता है। अब यदि मैं बात अपने स्पेशलिटी यानी कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की करूँ तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के तौर पर हम जब भी असाइटिस देखते हैं तो हमारे दिमाग में तीन मुख्य बीमारियाँ आती हैं जो पेट और लिवर से संबंधित बीमारियों से होती हैं। पहली चीज़ होती है असाइटिस का सबसे कॉमन कारण लिवर सिरोसिस यानी कि लिवर की कमजोरी के कारण पेट में पानी भरता है। सबसे कॉमन कारण है लिवर सिरोसिस से संबंधित। एक डिटेल्ड वीडियो मेरा है YouTube पर जिसमें आप लिवर सिरोसिस के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में देख सकते हैं। असाइटिस यानी पेट में पानी भरना लिवर सिरोसिस का सबसे कॉमन सिम्टम है। दूसरी जो बीमारी होती है पेट की झिल्ली या आंतों की टीबी होती है जिसके कारण पेट में पानी भरता है। और तीसरी बीमारी होती है जिसको कहते हैं पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस यानी कि किसी भी जगह का कैंसर, प्रायः एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अंदर का कैंसर जैसे स्टमक का कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर, ओवरी का कैंसर, इसके कारण पेट में पानी भरने लगे। ओल्ड एज की औरतों में, महिलाओं में ओवेरियन कैंसर पेट में पानी भरने का एक बहुत ही कॉमन कारण होता है। गैस्ट्रिक कैंसर, स्टमक का कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, ये कोई भी कैंसर जब पेट की झिल्ली तक फैल जाता है तो इसमें पानी भर सकता है पेट के अंदर। पेट के कैंसर का की वजह से जब भी पेट के अंदर पानी भर रहा हो तो ये एक एडवांस्ड स्टेज की बीमारी होती है। और ये ओवेरियन कैंसर के अंदर हम फिर भी इसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की बाद में सोच सकते हैं, बट दूसरे कैंसर्स में प्रायः ये ट्रीटमेंट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से आगे निकल चुका होता है। तो उस स्थिति में कैंसर के प्राइमरी ट्रीटमेंट का कंट्रोल, उसके साथ देखना कि पानी का कितना कंट्रोल हो सकता है। तो इसमें असाइटिक पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस यानी कि पेट की झिल्ली की टीबी या कैंसर, इस चीज़ के लिए सबसे सिंपल शुरुआती टेस्ट पेट से पानी निकालना और उसकी जाँच करना होता है। लिवर सिरोसिस से संबंधित अल्ट्रासाउंड और दूसरी चीज़ों के अंदर उसके और दूसरे सिम्टम साइन और इन्वेस्टिगेशंस के अंदर लिवर सिरोसिस के बारे में हम जान सकते हैं। जब भी असाइटिस टीबी या कैंसर की वजह से होता है पेट का अच्छा सीटी स्कैन कराना और उसके ज़रिए टीबी या कैंसर इसके बीच में अंतर करना होता है। कार्डियक सिरोसिस, रीनल यानी कि किडनी से सिरोसिस और लिवर सिरोसिस के कारण होने वाला असाइटिस, ये तीनों कंडीशंस में साथ में पैर में भी सूजन होगी। तो हम जब भी कहते हैं कि पैर में सूजन अगर नहीं हो रही है और सिर्फ पेट में पानी भर रहा हो तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू होता है कि ये या तो पेट की झिल्ली की टीबी या कैंसर है, खास करके एल्डरली लोगों में यदि पेट की झिल्ली में इस तरह से पानी भर रहा हो। तो जब भी पेट के अंदर पानी भर रहा हो, पेट में सूजन आ रही हो, पैर में सूजन आ रही हो, तो आप डॉक्टर से संपर्क करके एक सिलसिलेवार ढंग से जांच के ज़रिए और कुछ सिंपल ब्लड की जांचें, पेट के पानी को निकाल करके जांचना, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ज़रूरत पड़ने पर आगे पेट स्कैन, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ये असाइटिस के वर्कअप की जांचें होती हैं। और ज़्यादातर हम इसमें एक कंक्लूजन पर निकल करके उसके ट्रीटमेंट के ऊपर जा सकते हैं और इसका इलाज बिल्कुल जो अंडरलाइंग कंडीशन है उसके ज़रिए होगा। हार्ट की ट्रीटमेंट,
किडनी की ट्रीटमेंट, अगर लिवर सिरोसिस के कारण असाइटिस आ रहा है तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है नमक का कंट्रोल करना, नमक की मात्रा कम से कम करना और कुछ पेशाब बढ़ाने की गोलियां दिया जाना जिससे असाइटिस बार बार ना आए। यदि पेट के अंदर का पानी बार बार भरता है लिवर की सिरोसिस में तो इसमें जो आगे के ट्रीटमेंट के विकल्प होते हैं वो टिप्स यानी कि अंदर लिवर के अंदर एक स्टेंट डालते हैं पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन के बीच में जिससे खून की नसों का दबाव कम होता है और उसके कारण असाइटिस में बार बार पानी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टिप्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और ये स्पेशलाइज सेंटर्स में अवेलेबल होता है, लेकिन ये टिप्स का डिसीजन जो है ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन के साथ एक कंबाइंड डिसीजन में लेना चाहिए क्योंकि टिप्स इसका परमानेंट इलाज नहीं है। जब बार बार पानी निकालने की आवश्यकता पड़ रही हो और लिवर फेलियर एडवांस्ड हो तो बिना लिवर ट्रांसप्लांट किए बहुत देर तक शायद इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा और ऑब्वियसली जिस कारण से लिवर ख़राब हो रहा है उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस हो तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान है, 6 महीने की दवाइयाँ हैं। और पेट की झिल्ली की कैंसर के कारण अगर पानी पेट में भर रहा हो तो ये एक मुश्किल समस्या है जिसका पैलिएटिव ट्रीटमेंट ज़्यादातर कैंसर्स के लिए होता है। ओवेरियन कैंसर के अंदर इसका ट्रीटमेंट रिजल्ट काफ़ी अच्छा है जिसमें एक बार पानी को कंट्रोल करके आगे ओवरीज का ऑपरेशन भी किया जा सकता है और उसमें लंबे टाइम तक सर्वाइवल की संभावना अच्छी रहती है। तो संक्षेप में जब भी पेट में पानी भर रहा हो आप इसको ये किसी भी तरह से नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं है, सिलसिलेवार ढंग से इसका जाँच करने की ज़रूरत है ताकि पहली तो चीज़ है कि किस डॉक्टर के पास आपको जाना है। यदि लिवर के कारण बन रही है ये समस्या जो कि सबसे कॉमन कारण है तो फिर आप एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास आएंगे, टीबी जनरली गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जा करके उसके बाद आप मेडिसिन के डॉक्टर से फॉलो कर सकते हैं और कैंसर की स्थिति में फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आपको इसके लिए फॉलो करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक बीमारी नहीं है, बहुत सी बीमारियों का लक्षण हो सकता है और एक सिलसिलेवार ढंग से जाँच करने के बाद हम इस पर सही नतीजे पर और सही इलाज तक पहुँच सकते हैं। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड से और फैमिली मेंबर से इसको शेयर करें। धन्यवाद।